नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में जिला लुधियाना के कस्बा कोहाड़ा में 8 दुकानें आग लगने से राख हो गई। बताया जा रहा है कि एक दुकान में व्यक्ति अवैध रूप से छोटे सिलेंडर भरने का काम करता था। इस बीच किसी सिलेंडर से गैस लीक हो गई। गैस की लीकेज के बाद दुकान में अचानक आग लग गई। धमाकों की आवाज से आसपास के लोगों में भी भगदड़ मच गई। दुकानदार जब तक आग लगने का कारण समझ पाते तब तक दुकान में धमाके होने लग गए। इस बीच 7 से 8 दुकानों तक आग पहुंच गई। आग ने दुकानों का सारा सामान चपेट में लेकर राख कर दिया। घटना स्थल पर लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन आग पर काबू पाना असहज हो गया। घटना स्थल पर इकट्ठे लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। कुछ ही देर में समराला, फोकल पॉइंट, सुंदर आदि फायर स्टेशनों से दमकल विभाग की गाड़ियां और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें लोगों को दिखाई दे रही थी। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि भी 2 लोग आग की चपेट में आए हैं। झुलसे लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पीड़ितों को पहले कुमकला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर तुरंत लुधियाना अस्पताल में रेफर किया गया। घायलों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि जिस दुकान से आग लगने की शुरुआत हुई है, वहां अवैध रूप से बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरी जाती थी। कई बार इस अवैध कारोबार की पुलिस को भी लोगों ने सूचना दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।